मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप के बच्चे ही हों। आज हम स्टडी विद एसएल ग्रो के साथ क्लास फर्स्ट का हिंदी का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 23rd, सात पूछ का चूहा। ओके, आप में से कितने बच्चों ने चूहा देखे? फिर आपके घर में चूहा है मुझे बताइएगा आप लोग। तो आप सात पूछ का चूहा इस कहानी जो टॉपिक के समय पता चल रहा है कि एक चूहा होगा उसके आई थिंक सात पूछ होगी। चलिए लोग पढ़ते। और एक और बात है कि इस स्टोरी में कोई मोरल मिलेगा, तो एक मोरल स्टोरी है। तो क्या मोरल आपको मिला स्टोरी का मुझे लास्ट में कमेंट बताइए, आपको क्या सीख मिली इससे। और मैं एकदम वीडियो को लास्ट में बताऊंगी कि इसमें आपको क्या सीख मिलेगी। ओके चलिए पढ़ते हैं। एक था चूहा, उस चूहे के सात पूछे थी। ऐसे बता रहे कि एक चूहा था उसके सात पूछ थी। जैसे मैंने कहा था आपको कि इसमें एक चूहे की कहानी होगी, इसमें सात पूछ होगी। सब उसे चढ़ाते थे, सात पूछ का चूहा, सात पूछ का चूहा। अब उस चूहे की सात पूछे थी। लेकिन हम देखते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में कि जितने चूहे होते हैं उनकी जो वन टेल होती है, एक पूछ होती है। तो वहाँ पर इसके आसपास जो जानवर रहे उसको चढ़ाते थे कि तुम सात पूछ के, तुम्हारे पास सात पूछ। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। अब उसे इतना परेशान करते थे लोग कि वो तंग हो गए एकदम, मतलब उसे टीज करते थे, बुली करते थे। बुली मतलब पता ना, किसी और को चढ़ाना हद से ज़्यादा। तंग आकर चूहा गया अपने नाई के पास। अब वो उसको इतना परेशान, इतना बुली करते थे कि वो नाई के पास चला गया। उसने नाई से कहा, ए नाई मेरी एक पूछ काट दो। अब वो इतना उदास हो गया, वो नाई के पास जाकर बोल रहा है कि ए नाई मेरी एक पूछ काट दो। नाई ने एक पूछ काट दी। अब उसके पास बच्ची सिर्फ छः पूछ है। अगर हमने देखें तो सेवन में से माइनस वन करेंगे तो छः बचेगा। तो नाई ने उसकी एक पूछ काट दी तो उसके पास छः पूछ बची। सही कहा ना? तो अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चढ़ाने लग गया, छः पूछ का चूहा, छः पूछ का चूहा। अब उसने पूछ काट के वो घर चला गया। अब जब वो अगले दिन सुबह घर से बाहर निकला, किसी काम के निकला घर से बाहर, तो उसे फिर आसपास इतने जानवर सब चढ़ाने लग गए, उसने छः पूछ के चूहे हो, छः पूछ के चूहे हो। चूहा फिर से तंग आ गया। अब चूहे को फिर से इतना चढ़ाने लग गया, उसको फिर तंग हो गया। वो गया नाई के पास। अब वो नाई के पास चला गया। वो उसने कहा, ए नाई मेरी एक पूछ और काट दो। अब वो उसी नाई के पास गया जिस नाई के पास वो अगले पिछले दिन गया था, उस नाई के पास वो फिर से गया। तो अब क्या बोलेगा? तो उसको इतना परेशान करे तो छः पूछ में उसने एक और पूछ कटवा दी। कितने बचे उसके पास पूछ? पाँच। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बच्ची सिर्फ पाँच पूछ है। मैं कहा था ना कि अगर उसको छः सिक्स माइनस वन करें तो फाइव बचेगा। तो नाई ने उसके पाँच में से एक पूछ काट दी, उसके पास छः पूछ बची से, सॉरी उसके पास पाँच बची एकदम। पर अगले दिन सब उसे फिर से चढ़ाने लग गए, पाँच पूछ का चूहा, पाँच पूछ का चूहा। अब उसने फिर बोला कि जब अगले दिन गया तो सब उसे फिर बोलने लग गए कि उसने पूछ कटवा दी कि तुम पाँच पूछ का चूहा, पाँच पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। अब तंग हो गया चूहा, फिर से नाई के पास चला गया। ए नाई मेरी एक पूछ और काट दो। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बच्ची सिर्फ चार पूछ है। अब वो परेशान को नाई के पास जाके फिर वही चीज़ बोलते हैं कि नाई मेरी एक पूछ और काट दो। तो अब नाई को कुछ था तो था नहीं, उसे पैसा चाहिए था सिर्फ नाई से, चूहे से। तो नाई जो है उसकी पूछ काट देते, और उसके पास सिर्फ कितनी पूछ बची? चार पूछ है। पर सब उसे फिर चढ़ाने लग गए, चार पूछ का चूहा, चार पूछ का चूहा। अब तब भी उसे लोग चढ़ाते थे कि मतलब जितनी पूछ काट ले तब भी लोग उसे चढ़ाते थे कि इतने पूछ का चूहा, उतने पूछ का चूहा। उस चार पूछ बची तो फिर से बोलने लग गए, चार पूछ का चूहा, चार पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब उसके पास सिर्फ तीन पूछ बची। अब तंग होकर फिर से नाई के पास चला गया, उसने एक और पूछ कटवा दी। फोर माइनस थ्री कितना होता है, सॉरी फोर माइनस वन कितना होता है? थ्री होता है ना। तो फिर चला गया, उसका तीन पूछ बची। पर सब उसे चढ़ाते, तीन पूछ का चूहा, तीन पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। अब तब भी उसे लोग चढ़ाते थे, मतलब वो जितनी पूछ काट ले उसे लोग चढ़ा रहे कि तीन पूछ का चूहा, तीन पूछ का चूहा। नाई ने एक पूछ और काट दी। अब वो नाई के पास फिर तंग होकर चला गया, तो उसने नाई ने एक और पूछ काट दी। अब उसके पास सिर्फ दो पूछ बची, पर सब उसे चढ़ाते हैं, दो पूछ का चूहा, दो पूछ का चूहा। अब इसने वही चीज़ की फिर से, नाई के पास उसने दो पूछ, अपनी एक पूछ कटवाई, दो पूछ बची, तब भी लोग चढ़ाने लग गए कि दो पूछ का चूहा, दो पूछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास, नाई ने एक पूछ और काट दी। अब नाई के पास फिर चला गया वो पूछ कटवाने, तो उसने पूछ काट दी उसकी। तो उसके पास कितनी पूछ बची? एक पूछ। सही कहा ना मैंने? पर सब उसे चढ़ाते, अब उसके पास एक पूछ बची, तब भी सब चढ़ा रहे हैं।
एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। अब चूहा जो फिर से नाई के पास चला गया पूंछ कटवाने, तो उसने नाई ने उसकी आंखें पूंछ भी काट दी। अब चूहे के पास पूंछ ही नहीं बची। अब नाई की 7 टेल्स थी, 7 पूंछे थी, तो 7 बार नाई के पास गए, 7 अब उसने कटवा ली। अब उसके पास एक भी पूंछ नहीं बची, लेकिन फिर भी सब उस चढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। अब आप ये देखिए कि जो आसपास के जानवर थे वो उसे तब भी चढ़ाते थे, वो जो भी उनके बात पर, उनके बातों में जो भी करे तब भी उसे चढ़ाते थे, 3 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का, 7 पूंछ का, 5, 4, 3, 2, 1, बिना पूंछ का, ऐसा करते उसके पूंछ सर कटवा दी, तब भी उसे लोग चढ़ाते क्या थे, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो ये हमारी स्टोरी ख़त्म होगी, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। और मुझे पता है आपको मोरल क्या मिला है, मुझे बताइए, मैं लास्ट टाइम बताऊँगी वीडियो के आपको। ये देखिए फोटो बनी हुई है, ये आसपास के लोग, ये नाई है, ये चूहा है, इन्होंने पूंछ कटवाई, देखिए 7 पूंछ थी इसने, देखो 3 पूंछ कटवाई, 4थी पूंछ कटवा रहा है। अब क्वेश्चन आंसर है, क्या होता अगर चूहे ने बेकार ही 7 पूंछ कटवा ली। अब हमको स्टोरी से पता चला कि चूहे ने बात, दूसरे की बात मान के फालतू में अपनी पूंछ कटवा ली 7। सोचो तो 7 पूछों से वो कितना सारा काम कर लेता। आप ये सोचो कि अगर वो बात लोगों के बातों में ना आकर अपनी 7 पूछ रखता तो कितना सारा काम वो एक साथ कर सकता था। सही कहा ना, बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर। अभी तो क्वेश्चन आंसर है, बताना, आंसर देना है। हाथी के पास 4 सूंड होती है तो क्या कर लेता, अगर 4 सूंड होती है हाथी के पास तो एक सूंड से वो अपने खाना खाता, एक सूंड से पानी पीता, तीसरे सूंड से वो नहाता, स्नान करता नहाता, और चौथे सूंड से वो आसपास के जितने भी जानवर से परेशान कर उसे भगा सकता था वो। अगर बंदर के पास 3 पूंछ होती तो, अगर बंदे के पास 3 पूछे बताओ क्या करता, पहले पूछ से तो वो लटकता, दूसरे पूछ से वो खेलता, और तीसरे पूछ से वो दूसरे को जानवर को परेशान करता। आपको पता है बंदे कितने शैतान होते हैं ना, तो ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो, अगर ऊँट की गर्दन खूब लंबी होती तो जो पेड़ पे जो फल पत्ते होते हैं उसे खाने को दिक्कत नहीं होती। अगर उसे अगर उसकी ऊँट ऊँट की अगर गर्दन थोड़ी और लंबी होती तो दूर दिखता, तो दूर से देख सकता था कि उसके पास कोई डेंजर या कोई ख़तरा तो नहीं आ रहा। दूसरे की बातों में ना आकर चूहे अपने दिमाग से काम लेता, तो अगर दूसरे के दिमाग में दूसरे के बात सुन के चूहा अपने 7 पूछ ना कटवाता तो क्या होता बताओ, उसको उसके 7 पूछ रहती और वो एक साथ बहुत सारा काम कर सकता था। सही कहा ना मैंने, आप बताओ। बिना पूछ के अब क्या होगा, अब हमें इसमें करना है कि जो चूहा है, ये चूहा इसकी हमें पूछ बनानी है, ये पेंसिल से नहीं बना रही है, हमारे पास जो कलर पेपर होते हैं उन कलर पेपर का पूछों का जो शेप देकर उनको उनको पूछ बनाना है, चिपका देना है, या आपको कॉपी में करना है, बुक में मत करना। चूहा बिना पूछ के क्या नहीं कर पाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर चूहे को पूछ नहीं हो तो क्या नहीं कर पाता वो। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कि आपके पास आपके बॉडी का एक पार्ट नहीं होता तो क्या कर पाते, जैसे अगर आपके पास आपकी आँख नहीं होती तो नहीं देख पाते, कान नहीं होते तो सुन नहीं पाते, नाक नहीं होती तो सूंघ नहीं पाते, सांस नहीं ले पाते, जीभ नहीं होती तो बोल नहीं पाते। सही कहा ना, या हाथ नहीं तो काम नहीं कर पाते, और अगर पैर नहीं तो चल नहीं पाते। तो वैसे ही हर एनिमल की हर बॉडी का एक पार्ट होता है जो किसी न किसी काम के लिए आता है। आपको लगता है कि ये पार्ट हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं, लेकिन वो एक काम करता है, वो बॉडी में भले बैलेंस का काम करते हैं, किसी चीज़ का काम वो करता है। जैसे हमें लगता है चूहा जो है बिना पूछ के रह सकता है, कि पूछ जो चूहे की फालतू में पूछ लगी होती है, लेकिन नहीं, हमारा जो बॉडी का बैलेंस, हम लोग जैसे अपने बॉडी का बैलेंस होता है पैर के चक्कर में, बॉडी का पूरा बैलेंस होता है, तो चूहे का जो बैलेंस तो उसे पूछ से होता है। तो तुम उसकी पूछ काट दो चूहे की, तो अगर चूहा कहीं चढ़ने जाए तो वो नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस ही नहीं बनेगा। सही कहा मैंने। और ये भी है कि चढ़ते वक्त वो गिर जाएगा, पहली बात तो चूहा जो बॉडी बैलेंस बनाता है चूहे की पूंछ, जैसे आप अपने जैसे आपके पैर नहीं है तो आप चल पाओगे बिना बॉडी बैलेंस के, नहीं ना, तो वैसे ही चूहे को अपनी पूंछ बैलेंस बनाने के लिए, किसी जगह चढ़ने के लिए। ओके अब मुझे बताओ मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। सर 2 मोरल ऑफ स्टोरी मिल रही है, कि
पहली तो हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, बाहर वाले की बातों में, कि तो उसने चढ़ाना चढ़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, वो जेलस होंगे आपसे क्योंकि आपके पास वो चीज़ है, उनके पास नहीं है वो चीज़, तो जेलस होंगे, तो आपको दूसरी बात पर नहीं चलना। दूसरी बात ये है हमें किसी को बुली नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो जानवर थे, जो बाकी जानवर चूहे को छोड़ के, वो उसे चढ़ाते थे राइट, लेकिन वो उसको इतना चढ़ाते कि वो अपने ऊपर जो जिस तरह है वो उसको वो कह कर्ज करने लग गया कि मैं इस तरह क्यों हूँ। सही कहा ना, तो उसमें ये होता है कि हम दूसरों को इतना नहीं चढ़ाना चाहिए कि वो एकदम परेशान हो जाए। हमें कभी कभी दूसरों के फीलिंग्स की भी देखनी चाहिए। और ये है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि टीज़ और बुली अलग होता है। टीज़ ये होता है, टीज़ हम दोस्त है, दोस्त को हम जैसे दोस्त हम लोग कहीं गिर गया ठीक है तो हम उसको थोड़ा हंस लेंगे तो वो टीज़ हो गया। लेकिन बुली वो होता है जो हम लोग उसे बेफालतू परेशान करते हैं, जो हमारे जिसने हमारे पास कुछ किया है तब भी हम उसे परेशान करते हैं, उसे बुली कहते हैं। और बुली जो बहुत बैड हैबिट होती है, ये बुली आपको लगता है हाँ अच्छी अच्छी है, लेकिन बुली बहुत किस बुली से हो भी सकता है कि किसी और जिसको बुली कर रहे हो उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा, वो कितना परेशान होगा, वो कितना रोएगा। तो इसलिए बिना किसी चीज़ के हमें किसी को बुली नहीं करना चाहिए। हाँ भले आप थोड़े चढ़ा लो, हंसी खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुली नहीं करना चाहिए, ये बहुत बैड हैबिट होती है। अब वर्णमाला, जैसे इंग्लिश में हमारा अल्फ़ाबेट होता है ABCDEFGH राइट, तो वर्णमाला में ये होता है ऋषि, इसको री बोलते ऋषि ठीक है, री से ऋषि, ए आई ओ अ ठीक है, यहाँ पे अंग आ भी होगा बोलेंगे, वो नेसेसरी नहीं होते लेकिन उनकी सिर्फ मात्रा नेसेसरी होती है। तो आपको ये पूरा एक कॉपी में लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए। जैसे बहुत से लोगों को आ ई ई का याद नहीं रहता है, ABCD याद है कि वो आसान है, ये याद नहीं रहता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत आगे बढ़ के वो बहुत काम आएगा ये। और इसी साथ हमारी पूरी बुक ख़त्म होती है, चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। अगर आपको इस चैप्टर का PDF फाइल चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ऐसे को आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।